नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर सवाल है वर्क डन इन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर विल बी नाउ ये अगर आपकी स्प्रिंग है और ये मान लीजिए आपकी नेचुरल लेंथ है इससे आपने ऑलरेडी उसको फाइव सेंटीमीटर खींचा हुआ है और अब आप चाहते हैं उसको नेक्स्ट फिफ्टीन सेंटीमीटर और खींच दें लेट्स uh, से इसको नाम दे रहे हैं ये ओ ये ए और बी अब हमें बताना है डन इसको खींचने के लिए आपका ए से बी कितना होएगा ना इसको आप लिख सकते हैं हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर एक्स टू आपकी फाइनल एक्सटेंशन है और एक्स वन आपकी ये इनिशियल uh, एक्सटेंशन है तो एक्स टू यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइनल एक्सटेंशन है तो बस डेटा डाल के अपने को आंसर मिल जाएगा यह आया है हाफ मल्टीप्लाइड बाय के के की वैल्यू ऐसा यूनिट में एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ये बनेगा फिफ्टीन का स्क्वायर नाउ ये फिफ्टीन सेंटीमीटर है तो इसको टेन टू द पावर माइनस फोर से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इनिशियल था आपका फाइव स्क्वायर अब इसी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो टेन टू दि पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर हो गया ये वैसे कैलकुलेट करके हमें आंसर मिल जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर होएगा आपका 225 माइनस uh, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25 फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस 4 सो दिस विल बी इक्वल टू 400 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय 200 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 तो so 10 टू पावर माइनस 4 आपके इन चार जीरो से एडजस्ट हो जाएगा सो विच मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका वर्कडन होएगा दैट विल भी इक्वल टू एट जून यानी कि आपका ऑप्शन नंबर टू वुड बी द राइट आंसर